आज का ये वीडियो मैं उस इंसान को समर्पित करता हूँ जिसे कि हम सब लोग पापा के नाम से बुलाते हैं। एक इंसान जो कि जिंदगी में कभी भी किसी के सामने नहीं झुका हो, लेकिन आपकी जिद के सामने झुक जाए, ये काम आपके लिए सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है आपके पापा। पापा वो इंसान है जो कि जिंदगी की बोझ को ढोते ढोते भले ही थक चुके हों, लेकिन आपको अपने कंधे पर बिठाने से कभी नहीं थकते। जिनको पैसे की कमी के कारण आपकी स्कूल फी और अपनी दवाई में से सिर्फ एक चीज को चुननी पड़े, तो वो हंसते हंसते आपके स्कूल की फीस को भर देंगे, ये जानते हुए भी कि दवाई नहीं लेना उनकी जान तक ले सकती है। ये काम आपके लिए सिर्फ एक इंसान कर सकते हैं और वो है आपके पापा। जिनकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो चुकी हों, लेकिन आपके आने की खुशी में उनकी आंखों में एक चमक सी दिखाई पड़े, वो हैं आपके पापा। एक इंसान जिनकी आंखें उम्र के साथ सूख चुकी हों, लेकिन आज भी आपके आने की खुशी में उनकी आंखें छलक जाती हों, वो हैं आपके पापा। जब आपके जूते टूट गए हों तो पैसे निकालने में संकोच ना करें, और जब खुद का जूता टूट गया हो तो एक ही बात बोले कि अभी तो कुछ दिन चल जाएगा। ये काम आपके लिए सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो हैं आपके पापा। पापा वो इंसान हैं जो कि आपको भर पेट खिलाकर खुद भूखे पेट सो जाएं, ये कह के कि आज मेरा पेट ठीक नहीं है। एक इंसान जो कि जिंदगी की राह पर चलते चलते थक चुके हों, लेकिन आपके साथ चलते चलते कभी नहीं थकते, वो हैं आपके पापा। एक आदमी जो कि आपकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी की पूरी कमाई आपके ऊपर खर्च कर दे, वो हैं आपके पापा। पापा ऐसे इंसान हैं जो कि आपके स्कूल की फीस को भरने के लिए खुद को कर्ज में डुबो देते हैं। जिनकी बाहें उम्र के साथ भले ही कमजोर हो चुकी हों, लेकिन आपको सीने से लगाते ही उनकी बाहों में एक शक्ति आ जाए, वो हैं आपके पापा। एक हाथ जो कि उम्र के साथ कांप रही हो, लेकिन वही हाथ हमेशा आपके सर पर हो, वो हैं आपके पापा। पापा ऐसे इंसान हैं जो कि बिना किसी स्वार्थ के आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। एक आदमी जो कि अपनी हर खुशी को आपकी खुशी के लिए कुर्बान कर दे, वो हैं आपके पापा। एक इंसान जो कि अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के साथ लड़ाई ना की हो, लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, वो हैं आपके पापा। जो कि दिन भर घर से बाहर रहकर मेहनत सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि आप दिन भर घर में आराम से बैठकर पढ़ाई कर सको, वो हैं आपके पापा। जो अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए बार बार सोचते हों, लेकिन आपकी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एक बार भी ना सोचे, वो हैं आपके पापा। जो कि आपकी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं, अपनी जिंदगी की सारी कमाई आपके ऊपर खर्च कर सकते हैं, खुद को कर्ज में धकेल सकते हैं, आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हो। जो अपने परिवार को छांव में रखकर जलता रहे धूप में, वो एक फरिश्ता है पिता के रूप में। आपके पापा आपको काबिल बनाना चाहते हैं, इसीलिए नहीं कि आप उनके बुढ़ापे की लाठी बन सको,
बल्कि सिर्फ इसीलिए कि आपको जिंदगी में कभी भी किसी लाठी की जरूरत ही ना पड़े। बच्चे पापा की शान नहीं होते, बच्चे पापा की जान भी नहीं होते। जी हाँ, आपने ठीक सुना, बच्चे पापा की शान नहीं होते, बच्चे पापा की जान भी नहीं होते। क्योंकि एक पापा अपने बच्चे के लिए अपनी शान और अपनी जान दोनों को ही कुर्बान कर देते हैं। एक बच्चे ने अपने पापा के बारे में क्या खूब कहा है, मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है। क्योंकि पापा तो सिर्फ खिलौने लाते हैं, लेकिन शाम पापा को घर लेकर आती है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पापा के सपनों को पूरा करनी चाहिए, तो फिर उठाओ कलम और लिख दो अपनी तकदीर। इतनी मेहनत करो कि आपकी कामयाबी की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़े और उस गूंज से सिर्फ एक ही नाम निकले, पापा।